नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मौसम का आनंद ले रहे होंगे और आपको पता है 4-5 दिन से लगातार चल ही रही है बारिश। बारिश के चलते बहुत पानी बह रहा है। देखो ये बिल्कुल अरावली पर्वत हिल्स बिल्कुल नहीं दिख रही है। और वही बात घरों की, घरों में रह रहे हैं हम, घरों में छतें टपक रही है, क्या कह जाए। आप दिखाऊं मैं आपको लाइव? आप देखो चारों तरफ ये कमरा है मेरा, ये बिल्कुल चारों तरफ से टपक रहा है, टपकड़ा लगा हुआ है। मैं बर्तन दिखाता हूँ आपको, मैंने कहाँ कहाँ डाल रखे बर्तन। देखो ये लगा रखा है, टपक रहा है, ये टपक रहा, 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 ये टपक रहा और ये टपक रहा। देखो आप किताबों को भले, हाँ किताबों को हमने देखो जमा दिया है, इसी को ढक कर दिया है कट्टे से ताकि किताबें नहीं भिजनी चाहिए। ये हालत है भाई, क्या बताऊँ आपको, क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते भाई। जब लगातार बारिश होती है तो अच्छे अच्छे की छतें टपकने लग जाती है। मैं तो कहता हूँ करो एंजॉय, अच्छे से अच्छे बढ़िया से बढ़िया अधिक से अधिक पौधे लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, हरियाली होगी, बारिश होगी तो सब कुछ संभव हो राजस्थान में। इसलिए पेड़ पौधे लगाओ अधिक से अधिक, इस मौसम में लगाओगे तो जल्दी ग्रोथ करेंगे। इसलिए एक मेरा कहना यही है, पेड़ पौधे लगाओ और बरसात तो आती रहेगी, आएगी तो टपकड़ा भी चलेगा, छतें भी टपकेगी, लेकिन इसी में हमारी खुशहाली है। किसान भाइयों के लिए, अपन लिए, सबके लिए बारिश ज़रूरी है, इसलिए बारिश का आनंद लेते रहो। बच्चों को जरूर ज़्यादा बाहर मत निकालो क्योंकि बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, भीगने मत दो उनको। और अपने सबका ख्याल रखो। जय श्री राधे, राधे राधे, राम राम सा।